गुड इवनिंग गाइस, मुंगेर का एक ट्रिप ले लिया जो उसके लिए हम अभी जस्ट निकल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस, हमारा प्लान और पहले निकलने का था, शाम में करीबन 3-4 बजे निकलने का प्लान था हमारा, लेकिन बारिश जो है वो अचानक से होने लग गई जिसके कारण हम निकल नहीं पाए। आप अभी भी देख सकते हो रोड्स जो है वो पूरे के पूरे गीले हैं और हम जिस गीले रोड पे निकले हैं अभी। कुछ फेमस हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का मन तो था, आई डोंट नो सब क्लोज हो गया होगा अभी तो, पर ठीक है, देखते हैं। घाट है, घाट घूम लेंगे। मेरी वाइफ की चाइल्डहुड स्कूल, उसमें भी उसको बहुत मन है विज़िट करने का। आप देखो यहाँ के रोड्स अजीब से है यार, गलियों में हम घूम रहे हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ के रोड्स के क्या कंडीशन है। हाँ, बहुत ही पतले, बहुत ही नैरो है ये रोड्स, और एक्चुअली ये रोड्स तो है नहीं, सो गलियाँ ही कह सकते हैं। देखो भाई, एक टप्पी भाई हमारे को ओवरटेक करके लाइट जला के निकले अभी जस्ट सामने से। भाई पूरे मुंगेर में कहीं रोड ढंग के नहीं है क्या? यहाँ तो कुछ इम्प्रूव्ड है यार। चलो, लगता है कि कुछ अच्छे रोड्स हमें यहाँ मिल गए हैं, और ये कुछ लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड एक स्कूल है, और राइट साइड में भी आप देख सकते हो ये मंदिर है, दो दो मंदिर है। दिवाली के कारण यहाँ के भी जो बिल्डिंग्स है वो डेकोरेटेड है बहुत हद तक, उतना नहीं है जितने हमारे झारखंड में। ये घोड़ा, एंड दिस इज़ माय वाइफ स्कूल, शी वांटेड टू विजिट दिस प्लेस। ये रहा एंट्रेंस, अगर आप देख सकते हो ये लेफ्ट साइड में एंट्रेंस है स्कूल की, नॉट्र डैम अकेडमी, दिस इज द वन। ओके, सो यहाँ से न्यू एरा पब्लिक स्कूल, यहाँ पे एक्चुअली लाइन से ही बहुत सारे स्कूल है। ये आप देख सकते हो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग में स्कूल ओपन किया हुआ है इन्होंने। रात के कारण बहुत अच्छा व्यू तो आ नहीं रहा है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो क्योंकि सुबह सुबह कल मॉर्निंग में हमें निकलना है, तो आज ही हमारे पास जो थोड़ा टाइम था हम एक्सप्लोर करना शुरू किए। सामने इधर एक घाट है, सोजी घाट, आइए देखते हैं इस सोजी घाट में क्या दिखेगा रात के समय में। बहुत ज़्यादा तो दिखना नहीं है, बट फिर भी अब आए हैं तो एक बार देख लेते हैं इस सोजी घाट का क्या नज़ारा है। हम अभी ये सोजी घाट में आए हैं, बहुत गंदगी है इधर लेफ्ट में, और बहुत ही पुराने टाइम का ये कंस्ट्रक्शन है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पे। आप देख सकते हो कि घाट का जो ये पानी है ये इतना गंदा है, इसका कोई हिसाब नहीं है यार, बहुत ही गंदा पानी है यहाँ। पता नहीं लोग कैसे नहाते हैं, कैसे क्या करते हैं। उधर एक टी स्टॉल है, सिगरेट का दुकान है, और ये घाट में सुबह आने से अच्छा मज़ा आता क्योंकि बहुत बड़ा ये पानी का एरिया है। हमारा नेक्स्ट क्या प्लान है? कंपनी गार्डन नाम का एक जगह है, वो भी अब हम एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं, कुछ अगर दिखता है तो ठीक है, वरना कुछ रिलेटिव्स के घर विज़िट करते हुए वापस अपने इन-लॉज के घर पहुंचेंगे, ताकि रात में आराम कर सके और सुबह हम जल्दी जल्दी निकल सके ट्रैफिक होने से पहले। आप देख सकते हो पब्लिक रिएक्शन यहाँ पे, लोग कैसे देख रहे हैं हमें घूर घूर के।
गाइस टायर का एयर प्रेशर बहुत कम है, मेरे को कहीं हवा चेक कराना होगा। देखते हैं कहीं अगर कोई ऑप्शन मिलता है यहाँ तो हवा चेक करा लेते हैं, क्योंकि स्टीयरिंग जो है वो बहुत हैवी हो गई है हवा कम होने के कारण। गाइस आगे पोलो मैदान है 500 मीटर पे, इट इज़ हाफ किलोमीटर। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, दूध का वेट कर रहे हैं। ये खटाल वाला एरिया दिख रहा है मुझे, और स्पीड ब्रेकर्स दक्षिण कीला, दिस इज दक्षिण कीला आई गेस, या इस डायरेक्शन में होगा। गाइस कभी मुंगेर आओ तो रात में मत निकलो यार, कुछ नहीं दिखता है, लाइट्स बहुत ही इम्प्रॉपर है इधर, दिन के टाइम में निकलना। दिस इज द अम्बेडकर चौक, और रास्ता और भी अंधेरा हो रहा है, सुनसान हो रहा है, लोग नहीं निकलते हैं यहाँ लगता है। टाइम आप देख सकते हो 6:30 हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है जैसे रात का 10 से ज़्यादा बज गया हो। ये घोड़ा यहाँ यार बहुत सारे दिख रहे हैं हमें घोड़े। मेरी वाइफ मुझे गाइड कर रही है रास्तों में, बिकॉज आई डोंट नो दिस प्लेसेस, पता नहीं यार ये कौन से रास्ते में ले आई है हमें। यहाँ से गाड़ी निकलना बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो गाइस यहाँ से घुमा लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत स्लीपरी रोड है। ये ऐसा मिट्टी में घुसा दिया हमने, जहाँ नीचे कीचड़ है, चप्पलों में लग गया है, आधे आधे किलो वेट चप्पलों की हो गई है, और पैर स्लिप कर रहा है, बाइक पीछे नहीं हो पा रहा। गाइस कैसे भी करके हमने तो यहाँ से यू टर्न ले लिया। बैठ जाओ, पता नहीं ये कैसा गूगल मैप है यार, कहीं भी घुसा देता है लोगों को। दिन होता तो सोच भी सकते थे। चप्पलों की हालत बहुत बुरी है, यहाँ कुछ पानी है, थोड़ा क्लीन हो जाए देखते हैं। ये शायद वो किला का एरिया है, जो किला का नाम हुआ हमने पढ़ा, वो एंट्री होगा और ये एग्ज़िट होगा, यही मुझे समझ में आ रहा है। और ये मेरी वाइफ पता नहीं कहाँ कौन सा क्या रास्ते में मेरे को लेकर जा रही है। सो गाइस दिस इज मुंगेर, आप देख सकते हो, कभी अगर विज़िट करोगे तो ऐसा ही आपको दिखेगा, खास करके रात के टाइम पे बहुत ही सुनसान। आज दिवाली का दिन है और रास्ता में लोग नहीं निकले हैं बाहर, कोई पटाखे नहीं, कोई दिया नहीं, कोई मोमबत्ती नहीं, कोई लाइट्स नहीं, अजीब सा जगह है यार ये। ये एक और घाट है आप देख सकते हो, कृष्ट हरनी घाट, बट नीचे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत अंधेरा है और पानी हमें दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ से भी घूमते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। ओह यार बहुत डिफ़िकल्ट है यार यहाँ गाड़ी चलाना, एक तो स्टीयरिंग इतनी हैवी हो गई है हवा कम होने के कारण कि कुछ बताया नहीं जा सकता है। चलते हैं यहाँ से निकलते हैं आगे। ये किला का एरिया का एग्ज़िट है, मुंगेर फोर्ट, दिस मुंगेर फोर्ट जो हम जिसके अंदर थे अभी, मुंगेर का किला था ये, और मुंगेर का किला के अंदर ही वो घाट था अभी जो हम गए थे, जो हम रुककर देखने नहीं आगे बढ़े अंधेरे के कारण। एक गलती हो गई, हमें अपना पॉकेट टॉर्च कैरी करना चाहिए था तो कुछ हम व्यूज़ देख पाते इधर का, बट ठीक है कोई नहीं यार, मौसम में ठंड है यार,
बारिश हो गई है और ठंड का फीलिंग जो है वो अब थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सर्दी सर्दी भी फील हो रहा है हमें। और एरिया जो है ये सारे बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, बैकवर्ड एरिया टाइप का दिख रहा है और पब्लिक भी जो है बहुत अजीब से है यहाँ की। हम मुंगेर का चक्कर काट रहे हैं रात में, जिसमें ब्यूटी नाम की चीज़ बहुत है जो दिनों में दिखेगी रात में नहीं दिखेगी। ये एक सुंदर सा पुराना सा पेड़ है पीपल का, आप देख सकते हो इसमें जो लाइट लगाया गया है उसके कारण और ही खूबसूरत दिख रहा है। ये ICU हॉस्पिटल लेफ्ट एंड में हमारे, और स्ट्रीट लाइट्स तो होने चाहिए थे यार ऐसे प्लेसेस पे, बट पता नहीं इधर की गवर्नमेंट क्या कर रही है। रोड्स भी जो है वो गलियों का बहुत ख़राब है, ये मे बी मेन रोड होगा तो थोड़ा ठीक है, बट रोड्स की भी कंडीशन बहुत ख़राब है, स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ। और ड्राइविंग सेंस नहीं है लोगों को यार यहाँ पे बिल्कुल। खैर गाड़ियाँ भी नहीं है ज़्यादा, बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो है, रिक्शा ऑटो रिक्शा और टोटो है, इनके कारण ऐसे छोटे प्लेसेस में क्राउड ज़्यादा दिखती ही है। इट्स कॉमन फॉर एवरी सिंगल स्मॉल प्लेस। तो गाइस हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो अभी हम शायद मार्केट के अंदर घुसने वाले हैं यहाँ, और यहाँ बहुत क्राउडेड सा दिख रहा है दूर से। सो लेट्स एंटर इनटू दिस क्राउड। आप देख रहे हो ओ ये कुछ मार्केट है, इसमें घुसाना तो यार बेवकूफ़ी होगा, इसमें घुसाकर कोई फायदा नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो ये रोड कुछ खाली दिख रही है, तो इस रोड में घुसाते हैं। यहाँ से ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए हम अपना रास्ता खुद चूज़ कर रहे हैं, आप बोलो या बना रहे हैं। इतनी हैवी बाइक होने के कारण इधर ऐसे रास्तों में जाना सही नहीं है। गाइस मार्केट में पहुंच गए, तो मार्केट से कुछ हमें लेना है, वो चीज़ों के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं, वेट कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ से हम आगे घर की तरफ बढ़ेंगे। ये बिहार के पुलिस हमें देखने आए, देखकर आगे बढ़ गए मुंह में गुटखा खाते हुए। और आप देख सकते हो वाइफ कहीं जा रही है, इसको कुछ ख़रीदना है, तो पहले तो मैं बाइक पार्क करने का जगह ढूंढ लेता हूँ, बाइक कहाँ पार्क करूँ, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ मिठाई लेने के लिए रुक गए हैं, और हालत इतनी बुरी है इस मार्केट की कि कुछ मैं बोल नहीं सक रहा हूँ। क्राउड देखो, दिवाली का भीड़ है यहाँ, लोग पागल हो रहे हैं। पैक हो रहा है और हमारा दो पैकेट ऑलरेडी और जो था वो पैक हो चुका है, तो फाइनली अब हम ये सारे पैकेट्स को लेकर यहाँ से निकलेंगे। बहुत ही गर्मी है, क्राउड इतना गंदा है यहाँ पर। अभी बाहर जब रोड पे थे तो हमें ठंड लग रही थी, बट यहाँ के क्राउड के कारण यार पसीने से हालत बुरा हो चुका है। भैया प्लास्टिक दे दो, देख सकते हो ये हमारा मिठाई पैक हो गया है, और अब हम यहाँ से ये लेकर निकलते हैं। चलो हम फाइनली यार अचीवमेंट रहा,
यहाँ के क्राउड में कुछ ख़रीदना, और हमारी बाइक वहाँ पे खड़ी है। कुछ यहाँ पे भी अजीब से लड्डू मिल रहे हैं यार, अजीब अजीब। देखो भाई साहब को, ख़तरनाक गाड़ी चला रहे हो। मैं हवा भरा लेता हूँ यार, वरना बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ गाड़ी चलाना यार, इतने क्राउड में, इतने कम हवा में, इतना वेटेड स्टीयरिंग को हैंडल करना यार बहुत ही ज़्यादा एफर्टफुल है। तो यहाँ से हमने पूछा था कि आगे रास्ता है जहाँ पे हमें टायर शॉप, टायर पंचर शॉप मिल जाएंगे, वहाँ पे हवा चेक करा लेते हैं। मोड़ मोड़ पर यहाँ पर पुलिस खड़ी है, जो कि कोई काम के नहीं है। साले सब बैठ कर यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपने अपने फ़ोन पर बिजी है। पब्लिक के लिए तो नहीं है यहाँ पर, जस्ट अपना टाइम पास कर रहे हैं यार साले। ये कुछ अच्छी सी बिल्डिंग लेफ्ट साइड में दिख रही है, आप देख सकते हो, पता नहीं ये क्या है। एनीवे छोड़ो, पंचर दुकान ढूंढते हैं। पंचर दुकान मिलता है, हवा भराते हैं और फिर घर की तरफ निकलते हैं। गाइस यहाँ आगे से हमें राइट टर्न लेनी है और फिर से मेरे को अंधेरे रास्तों में घुसना पड़ेगा। अभी तक तो लाइट वाले रास्ते पे थे हम। नहीं यार, लाइट्स कुछ हद तक है इस वाले रोड पे। पेट्रोल पंप है यहाँ, पेट्रोल भरा ले क्या? पेट्रोल भरा लेने से एक काम हो जाएगा, तो टैंक फुल करा लेते हैं पहले और फिर हवा भरा लेते हैं। भैया पेट्रोल दे दो। स्कैन करने के लिए इन्होंने कहा काउंटर पे जाना होगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। भैया 808 रुपये का हुआ, भेज देना ऑनलाइन। नहीं वहाँ से मेरे को बोले काउंटर पे जाना होगा। चला गया है बस, देख लो आप। ठीक है तो पेमेंट हो गया। ये देखो यहाँ पेट्रोल पंप में बस ये दो पंप्स हैं और ऊपर छत तक नहीं है यार अभी। हाँ कर दिया, 808 रुपये। फाइनली पेट्रोल तो भरा गया, अब हम निकलते हैं हवा के लिए। गाइस अभी हवा भराने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पता नहीं यहाँ कहाँ हवा मिलता है, आइडिया नहीं है, पूछते हैं लोगों से यहाँ पर। पेट्रोल पंप में तो उन्होंने बताया कि इस वाले रोड पे कहीं हवा मिलता है, कोई वैसे लोग भी नहीं मिल रहे जिनसे हम पूछ सके कि हवा कहाँ भरा सकते हैं। यहाँ पुलिस खड़े हैं, इनसे पूछते हैं भैया हवा कहाँ भरा पाएंगे। यहाँ से राइट, अच्छा वहाँ है दुकान, अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। भाई साहब यहाँ के पुलिस जीप में बैठ के अपने रहे थे, बट कम से कम हेल्पफुल थे, इन्होंने रास्ता तो बता दिया हमें। देखते हैं फॉलो करके उनका बताया हुआ रास्ता कि हवा मिलता है या नहीं। तो आप देख सकते हो फिर से वापस से क्राउड में इन्होंने हमें भेजा है। ये एक अच्छा पेट्रोल पंप है यार, पता नहीं हम वहाँ क्यों गए थे। तो इधर लेफ्ट में इन्होंने कहा अभी मुड़ने वापस से, और यहाँ पर पंचर शॉप, पता नहीं आज दिवाली के दिन में खुला होगा नहीं खुला होगा, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, किसी से पूछ ले क्या, फिर से पूछते हैं। भैया हवा कहाँ मिलेगा। अच्छा थैंक यू, बंद है और कहीं, और कहीं पता नहीं ये खुला है या बंद है, आइडिया नहीं है। ये टायर शॉप तो था बट ये तो बंद है। चलो किसी और से पूछते हैं, इनसे पूछते हैं कि बस कुछ ढंग की बाइक दिख रही है। भैया हवा कहाँ मिलेगा ये बता दो। हवा,
कहाँ मिलेगा भैया हवा? हाँ ये कहाँ हमको नहीं पता, नहीं वहीं से आ रहे अभी नहीं है आप, नहीं दे दो यहाँ से दाया ठीक है भैया। चलो यार पब्लिक हेल्पफुल है, हेल्प कर तो रही है, वरना बिना हवा का यहाँ बहुत दिक्कत है। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं नए प्लेसेस पर, और ख़ास करके अगर थोड़े से भी छोटे प्लेस पे आप चले जाओ तो दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से हम कहाँ गाड़ी घुसाए, और छोड़ो कोई दूसरा रोड लेते हैं, ये रोड लेने लायक तो है नहीं। आगे से दिखते हैं कहीं कुछ मिल जाए तो, उस राइट की जगह हम ये राइट लेकर उस जगह पे पहुंचने का कोशिश करते हैं यार, शायद कहीं हवा मिल जाए। भैया हवा कहाँ मिलेगा? हवा 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 उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता हवा कहाँ मिलेगा पता है? पंचर दुकान, सो गाइस इन पुलिस वालों को तक नहीं पता कि यहाँ हवा कहाँ मिलेगा, दे आर ऑल्सो न्यू टू दिस प्लेस। मुंगेर में पंचर दुकान खोजना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क यार, मैप पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे छोटे जगहों पे, दिक्कत ये भी है। तो दोनों साइमल्टेनियसली करना पड़ रहा है, मैं मैप देखते हुए लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ रहा है। गाइस यार देखो ये छपरी आदमी, देखो इस छपरी को, पंचर दुकान मिल गया फाइनली हमें। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क था बट मिल गया यार, इतना डिफ़िकल्टी कहीं दूसरे जगहों पे नहीं होती है पंचर शॉप ढूंढने में। अब देख सकते हो यहाँ पहुँच गए फाइनली। हवा मिल जाएगा भैया? थैंक गॉड यार हवा मिल जाएगा यार, हवा लेकर फिर हम आपके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब की स्पीड देख लो, ने बताया कि 15-20 पॉइंट ही हवा था, मुझे थोड़ा सा डाउट भी लग रहा था बाइक को चलाने में, अब हवा तो बहुत ही कम था यार, दैट्स नॉट ओके, इसलिए भी मेरी हालत बुरी हो रखी थी। चलो अंत भला तो सब भला, हवा मिल गया है फिलहाल अभी हम लोगों को, और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, एक रिलेटिव के घर जाएंगे और वहाँ से फिर अपने इन-लॉज के घर। राइड जो है वो कितना स्मूथ हो गया देख सकते हो, यहाँ से राइट टर्न लेना है। आप देख सकते हो दंगा नियंत्रण वाहन, भाई साहब ये तो अलग ही चीज़ है यहाँ बिहार के दंगों का, ये उनके पुलिस वालों का ड्रेस भी वैसा ही कलर का है। ये दिवाली में कौन सा दंगा कराने वाले हैं पता नहीं। गाइस यार बहुत डिफिकल्ट है यहाँ के ट्रैफिक में, यहाँ के क्राउड में, बीच रास्तों पे इन्होंने सब्जी के ये ठेले लगा बैठे हैं, और यहाँ के मार्केट का यही मैं देख रहा हूँ फॉलो करते हैं, बीच रोड पे ही लोग अपना शॉप लगा के बैठे हैं, और दो पतली पतली लेन बचती है चलने के लिए, और उसी में लोग अपने बाइक से भी चल रहे हैं और पैदल भी चल रहे हैं। टिप्स के घर घुसने वाले हैं एक पतली गली में घुस कर, तो इनसे मिलने के बाद और आप
से फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे मिलते हैं। रिलेटिव से मिल चुके हैं और यहाँ से अब अपने वापस से इन लॉज के घर के तरफ निकल पड़े हैं। रास्ता पहले से कम क्राउडेड दिख रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ टाइम, और आज दीपावली भी है तो लोग हो सकते हैं अपने अपने घरों पे एंजॉय कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स के साथ हो सकते हैं एंजॉय कर रहे हो। बहुत खिला दिया यार रिलेटिव्स ने, बहुत खिला दिया यार। तीन तीन घर थे, तीनों में हमें जाना पड़ा और तीनों ने इतना खिलाया जिसका कोई हिसाब नहीं है। ओह मैं तो मर ही जाऊंगा यार। अब आई थिंक रात का डिनर तो नहीं हो पाएगा, इतना मैं खा चुका हूँ। वापस चलते यहाँ से, राइट टर्न। ओके ये आ गया हमारा अपना इन लॉज वाला गली। और ये रहा हमारा इन लॉज का घर। तो अब कल मॉर्निंग में आपसे मिलते हैं जब हम बोकारो के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।